आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुझे गर्व है कि मैं भगवाधारी हूं कहने पर गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की जनसभा में जनता ने भी भरी हुंकार, कहा हम भी है भगवाधारी। सीएम योगी ने कहा भगवा को जंग से जोड़कर सृष्टि सनातन संस्कृति और संत परंपरा का अपमान किया है सपा ने। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रामीण विधानसभा में विजय रथ यात्रा निकाल कर किया रोड शो, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जनता से की अपील। जुलाई 2021 को थाना कैंपियरगंज क्षेत्र से स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट की घटना में शामिल दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 3,20,000 रुपए नगद, भारी मात्रा में जेवरात, एक अवैध तमंचा, 315 बोर व घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। सोमवार को सड़कों पर जनसमुद्र दिखाने की तैयारी में है टीम योगी। सीएम योगी के रोड शो से विपक्ष के समीकरणों को निस्तेनाबूद करने की है मंशा। टाउन हॉल से 3:30 बजे से शुरू होकर विजय चौराहे पर समाप्त होगा रोड शो। भाजपा के मीडिया सेंटर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुना प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात, कहा मन की बात सही मायने में लोगों के मन को छूने वाली होती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मीडिया से हुए रूबरू, कहा पहले अपराधी जलवे में थे, अब हैं जलवे में, अपराधियों और आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। गोरखपुर की बढ़ेगी शान जब होगा बंपर मतदान के नारे के साथ नागरिक सुरक्षा कोर ने निकाली वृहद मोटरसाइकिल रैली। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। विशेष व्यय प्रेक्षक बीआर बालाकृष्णन ने चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक। चुनाव से 72 घंटे पूर्व अलर्ट मोड में और अधिक सक्रियता के साथ फील्ड में काम करने के दिए निर्देश। बिहार राज की घटना को जनपद गोरखपुर का बताकर फर्जी ट्वीट करके चुनाव में जातिवादी रूप देकर समाज में अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोबाइल व सिम किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बैंक रोड से निकाला युवा विजय संकल्प बाइक रैली। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 2022 विधानसभा चुनाव में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार। सर सीवी रमन की याद में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और गोरखपुर में रविवार को पाए गए 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 260। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।